हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले रागा मॉक टेस्ट प्रो। अभी मॉक टेस्ट प्रो मैक्स आना बाकी है। ये प्रो है, प्रो में दिखाते हैं कितने मार्क्स लाते हैं आप लोग, ठीक है। और कोशिश करना यही ना कि टोटल 30 क्वेश्चन है इसके अंदर। इंग्लिश का तो मैंने करा दिया आपको, आज ही कराया था। ये रागा का है, तो इसके अंदर कैसे भी ना 25 तक सही कर पाओ, क्योंकि यूट्यूब है यार, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है। यूट्यूब पर आप इतना कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से करो, आप कर लोगे। मैं जानता हूँ कि आप कर लोगे, 25 प्लस सही करो बस, ठीक है। इसमें जितने स्कोर करोगे आपके एग्जाम में, रियल एग्जाम में एक से दो नंबर कम आने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि इसमें जितना ज़्यादा ज़्यादा हो जाए। चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ भाई साहब, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जानते हो क्या, कि एग्जाम में अगर बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन करना है ना, 45 प्लस अगर गेन करना है वाई ग्रुप स्पेशली, तो आप हमारे PDFs की प्रैक्टिस करके जाओ, पेड PDFs की। उसमें हमने क्वालिटी कॉन्टेंट दे रखे हैं, जैसे वोकैबलरी के 700 वोकैब है, idiom, वन वर्ड, सिनोनिम, सेंटोनिम, करेक्ट स्पेलिंग सब मिला के 700 वर्ड है। इसमें से जितना हो सके याद कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना है। हर बार का रिकॉर्ड रह चुका है अपना। फिर से मैथमेटिक्स बाई ग्रुप की हमने दिया है चैप्टर वाइज, इनको प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार एग्जाम से पहले। इस सब PDF को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। सारे मैथ के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं PDF में, और ये करंट अफेयर की है। करंट अफेयर अगर बाई करते हो तो GK का पेड PDF भी आपको मिल जाता है फ्री में, करंट अफेयर के साथ, खाली ऐसे मांगने पर नहीं मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ रीजनिंग, रीजनिंग तो 100% फंसाएंगे इसमें, नो डाउट 100% रीजनिंग का पैटर्न फंसाने वाले, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग 100% फंसेगा। मैथ तो चलो 95%, वोकैबुलरी 80%, GK करंट अफेयर 70-80%, बट रीजनिंग 100% फंसाएंगे। सेम कॉन्ट मतलब क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट पे डेटा चेंज रहेगा, राम का श्याम हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, बात अलग है, कॉन्सेप्ट पूरा वही होगा। हमारे PDF से पढ़ो, सॉल्यूशंस और आंसर सब कुछ है इसके अंदर। व्हाट्सएप करके बाई करो 7279047787 पे। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ना तूने ना हमने, उसने किसने कराया, बिंबिसार, राजा भोज, भोज, अशोक और कनिष्क। अगर ध्यान से जानते हो ना कि सांची के स्तूप किसने करवाया था, वो मौर्य का वंशज था। ये क्या चीज है सर, मौर्य वंश से संबंधित है, इसमें से कौन था, क्योंकि सर बिंबिसार भी है और अशोक भी, तो अशोक ने कराया था। बात समझ में आ गया, ये अशोक। ऑप्शन नंबर सी मैं टिक करते जाता हूँ, टिक करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अशोक, इधर अशोक। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। आपके दिमाग में आ रहा होगा हीराकुंड, क्या चीज़ है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, आप लोग सतलज करते रहते हो, ठीक है, महानदी, तो ये सभी चीज़ें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ें। मैं आपको सब कन्फ्यूजन आउट कर देता हूँ। अभी मैक्सिमम लोग भाखड़ा नांगल और हीराकुंड का आंसर ना उल्टा सीधा दे देते हैं। देखो अभी अगर कहेगा ना भाखड़ा नांगल, तो कहोगे सतलज, क्या कहोगे, सतलज, ओके ना। कुछ लोग सतलुज पढ़ते हैं इसको, बट सतलज सही है। तो वहीं पे एक कंसेप्ट और याद करो, अगर आपसे कह देगा वो अभी जैसे एक और मैंने नाम लिया था हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड का भी मैंने अभी जस्ट नाम लिया, हीराकुंड से भी सवाल आता है, हीराकुंड इंग्लिश में भी लिख लो इसको, हीराकुंड। ये जो डैम है ये भी, ये किस रिवर पे है, ये आपका महानदी पे है। और यही बच्चे गलती करते हैं, भाखड़ा नांगल को महानदी कर देंगे और हीराकुंड को सतलज कर देंगे, तो कहानी खत्म हो जाएगी। कहते ना हीराकुंड महानदी, हीरा कहाँ मिल रहा है, तो महानदी में हीरा मिल रहा है, ठीक है। भाखड़ा मतलब एक तरीके से कह रहे हो ना कि भाखड़ा नांगल, तो भांगड़ा कौन करेगा, तो सतलज करेगा। अपना अपना रिलेट करने का तरीका अपने हिसाब से याद करो, ठीक है। बाकी जिसके जैसा खुरपाती दिमाग वैसा ट्रिक लगा लेता है एग्जाम में इंसान। राज्यपाल का जो है ना ये टेन्योर कितने साल का होता है, कुछ लोग कहते हैं 6 साल का, कुछ लोग कहते हैं 5। एग्जैक्टली क्या है भाई, वो जो है आपका एग्जैक्टली 5 ईयर्स ही है, ठीक है। और उसके लिए आप कम से कम 35, एक चीज़ यहाँ पर सुनो, मैं दो चीज़ें समझाता हूँ। जब कोई राज्यपाल गवर्नर बनता है तो वो होता है क्या 5 ईयर्स तक रहेगा, और उसकी सिटीजनशिप होनी चाहिए वो 35 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, योग्यता कहते हैं। मिनिमम वो 35 ईयर्स का हो जाएगा तभी वो गवर्नर बनेगा। आगे बढ़ो, शब्द ड्यूस जो है ना, ये ड्यूस किस खेल से संबंधित है ये पूछ रहा है। ये ड्यूस है टेनिस है, GK वाले चीज़ में हमने सब कुछ दे रखा है कि किस गेम में कितने हैं, कौन सा वर्ड किस गेम से है, ये सब चीज़ें हमने GK वाले PDF में दे रखा। करंट अफेयर खरीदोगे तो GK साथ में मिल जाएगा। आगे देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस तो अगस्त में मनाया जाता है। वो मेजर ध्यानचंद जी है ना, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता था मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 29 अगस्त को। आ गई बात, आगे चलो। एक लोलक 8 सेकंड में 60 बार नीचे दोलन करता है, इसकी समय अवधि क्या है। अब मैंने जानबूझ के एक वो डाल दिया, क्या कहते हैं वो, कहते हैं इसको वो, क्या कहते हैं भाई, न्यूमेरिकल कहते हैं।
आप कहोगे सर वाई ग्रुप में न्यूमेरिकल नहीं आता, बट पिछली बार एक शिफ्ट में ना न्यूमेरिकल डाल दिया था, वो बदतमीजी थी एयरफोर्स की। वाई ग्रुप में न्यूमेरिकल आप बदतमीजी भी नहीं कह सकते भाई, उन्होंने सिंपली कहा कि हाँ सिलेबस में साइंस भी है आपका, जीके के अंदर साइंस भी पूछा जा सकता था, जीके में तो सब कुछ आ गया, तो बदतमीजी भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली। तो आप ये चीज़ समझ लो कि एक लोलक अगर 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है तो उसकी टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसकी जो है ना आप यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड के बारे में कैसे निकालते हो, टाइम बटा में कितने टाइम्स वो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 8/60। अब 60 को ना यहाँ से 8 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट हो जाएगा, एक बार में कटेगा इतना हो जाएगा, फिर ये 6 बार में कटाओगे 180, अगेन आपको ये 20 मिल रहा है, तो मतलब ये 333 का रेपिटेशन होगा, तो 0.13 करेक्ट आंसर क्या है, 0.13 सेकेंड जो है ना 8 सेकेंड में अगर 60 बार दोलन करेगा, वही करेगा अप डाउन करेगा ऑसिलेशन, तो उसकी जो पीरियड ऑफ टाइम होगी यही होगी। अब ये रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब खाली खाली है, भर दो यहाँ पे, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भर दो, नहीं समझ में आ रहा है रहने दो। डैश ए ए बी है ना यहाँ पे, ए डैश बी बी ए डैश बी बी ए डैश ए बी ए ए डैश बी। अब बात देखो भाई यहाँ पे एक बार देखो, मैं यहाँ पे देख रहा था एक चीज, रुको इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं मिटा के, दो बार देखो यहाँ पे ना बी बी करके ए आ रखा है, फिर यहाँ पे बी बी ए रखा, हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन है, बी के बाद डबल ए है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब बी के बाद यहाँ पे डबल ए है तो यहाँ पे क्यों ना हम बी भर के देखें, कहोगे बी भर के तो देख लिया सर, लेकिन इस बी के पहले तो यहाँ पे ए छुपा है, वो भी तो देख लो, इसे थोड़ी होता है, तो अब ए कहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, इस मेथड से हम काम नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली काम करेंगे ऑप्शन से, तो ऑप्शन से अगर फिल करके देखते हैं तो मिलेगा अपने को पहले में ए, दूसरे में भी ए, तीसरे में बी, फिर उसके बाद ए, अब फिर क्या मिल गया बी, अब इनको काउंट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4 4 के भाग में डिवाइड करो ना, ये 4 4 के पार्ट में डिवाइड करने पे क्या मिलता है अपने को, वो चीज़ हम देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे मिला डब ट्रिपल ए बी, यहाँ पे भी क्या मिला डबल ए डबल बी भाग गया डबल ए डबल बी, फिर यहाँ पे ए ट्रिपल बी, ओके यहाँ पे ट्रिपल ए बी और यहाँ पे क्या मिला डबल ए डबल बी, मतलब रिपीट देख रहे हो, पहले ट्रिपल ए बी आया था, ठीक है, फिर डबल ए डबल बी आया, फिर ए के बाद ट्रिपल बी आया, तो वही चीज़ इन तीन के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, यहाँ से जो स्टार्टिंग में ट्रिपल ए था ना वही है ट्रिपल ए बी, फिर दूसरे नंबर पे था डबल ए बी बी तो डबल ए बी बी, अगर और आगे बढ़ता ना तो ये थर्ड वाला आ जाता, तीन स्टेप के बाद ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तो करेक्ट आंसर आपका ए ही है। ओके मेरे को पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली ये पे आंसर पुट कर दिया, अदरवाइज मैं आपको कुछ और भी तरीका बताता कि आप इसको ना पहले काउंट कर लो, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 तो ये कुल मिला के 20 टर्म्स हैं, तो इनको 4 4 के हिसाब से बांट लो और उसके बाद देखो कि किस तरीके से पेयर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग खुद से फिल करके ऑप्शन से निकाल लो, वो तरीका ही मैंने आपको बता रखा है, यूट्यूब पर ही पढ़ा रखा पूरा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो उसके अंदर कंसेप्ट वाली क्लासेज में कह रहा है एक खास फूड भाषा में ना कह रहा है ईट प्रेस एप्पल का मतलब है कीट टी के काटा, गजब कीट टी काटा, ईट द फूड का मतलब है मीक पीक टीक और फ्रेश लाइम जूस का मतलब है काटा सीडा टॉप, तो इसमें कीट का वैल्यू बताओ क्या, चलो भाई ठीक है कीट कहाँ पे है, के ई ए टी है क्या इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर है, हाँ ये रहा, अब ये कीट जो है देखो यहाँ पे है, इसके अलावा टी के काटा भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो कह रहा है ईट द फूड, ईट द फूड देखो पहले में भी है, ईट देखो इसमें भी है, तो इसका है मीक पीक टीक, तो ये वाला टीक देखो ये वाला टीक और ये वाला टीक दोनों में सिमिलर है, तो मतलब यहाँ पे समझ में आ गया ईट का मतलब हो गया टी डबल ई के वाला, ठीक है, तो ये चीज़ अपने को यहाँ से हमने निकाला, तो अब इनको साफ करो, ये तो ईट का मतलब मिल गया, तो ईट का मतलब और टीक का मतलब ही निकल गया, तो काटा और कीट में निकालना है, ठीक है। अब देखो काटा देखो यहाँ पे काटा सेडा टॉप और इसमें क्या फ्रेश लाइम जूस, तो फ्रेश है यहाँ पे कॉमन और इसमें भी देखो फ्रेश है कॉमन, तो फ्रेश में और इसमें देखो काटा और इसमें भी है काटा, तो फ्रेश का मतलब क्या हो गया काटा। अब बचा क्या कीट का मतलब है, क्या बचा, हमने ईट का मतलब निकाल लिया था, फ्रेश का मतलब निकाल लिया, तो बचा एप्पल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे के ई ए टी का मतलब हो गया ए डबल पी एल ए, ये जो है ना आपका वो कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में मैंने इसे कंसेप्ट में पूरा डिटेल में पढ़ा रखा, आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली यहाँ पे जंप मार दी होगी तो फिर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा आपको, करेक्ट आंसर एप्पल है इसका, ओके बिकॉज कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कंसेप्ट में मैं आराम आराम से समझाता हूँ, प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा जल्दी बाजी में रहता हूँ।
देखो क्या है, एक विषम संख्या बताओ, और इसमें तो क्या सबसे पहले तो ये चीज देखो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो मतलब एक एक का गैप है इनके बीच में, एम एन ओ पी क्यू मतलब एन और ओ मतलब एक एक का गैप है इनके बीच में, टी के बाद ई है सी है, तो ये तो खैर उल्टा चल रहा है ना, जी के बाद ई नहीं आता पहले आता है, अब देखो पी के बाद क्या है क्यू आर एस टी, एक एक को गायब कर दिया गया, तो मतलब समझ में आ गया ना, जी ई सी पीछे की तरफ जा रहे हैं, जी के पहले ई आता है और ई के पहले सी आता है, बाकी सब में के बाद वाले वर्ड्स को लिखा गया, मतलब अल्फाबेट्स को लिखा गया है, तो जी ई सी यहाँ पे बिल्कुल कह सकते कि ऑड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मद्रास को ना लिख रहे हम लोग एन बी ई एस बी टी, ओके, तो मुंबई को क्या लिखेंगे, देखो मद्रास में एम में एक बार आगे जाओगे तो एन मिलेगा, एक बार ए में आगे जाओगे तो बी मिलेगा, डी के बाद क्या आता है ई, आर के बाद आता है एस, ए के बाद आता है बी और एस के बाद टी, सेम काम आप मुंबई के साथ करो, मुंबई में एक एक जोड़ते जाओ, तो एम के बाद क्या आता है एन, यू के बाद क्या आता है वी, फिर एम के बाद एन, बी के बाद क्या आता है टी और ए के बाद बी और आई के बाद जे, तो एन बी एन सी बी जे, एन बी एन सी बी जे ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, मस्त एकदम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक खास कोड में देखो कह रहा है, प्लीज अवॉइड ड्रिंकिंग का मतलब है पोर जूस नेल, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल का मतलब है नेल कम रेम, और अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स का मतलब है जस्ट पिनकन, ठीक है, तो इसका मतलब बताओ आप, इज कहाँ पे है, तो देखो ड्रिंकिंग इज हार्मफुल के अंदर है इज, ओके, अब देखो पहले वाले लाइन में देखो ड्रिंकिंग था और इसमें भी ड्रिंकिंग है, तो कोर जूस नेल और इसमें नेल कम रेम दोनों में क्या सिमिलर है, तो नेल नेल काट दो, तो ड्रिंक का मतलब हो गया आपका क्या नेल, क्लियर है। अब देखो ये ड्रिंक तो हो गया, अब इसके अंदर प्लीज और अवॉइड है, अब प्लीज और अवॉइड देखना है कहाँ पे है, ये रहा अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, और इसके अंदर है जूस बेनकन, देखो जूस इसके अंदर भी है और जूस इसके अंदर भी है, तो अवॉइड का मतलब हो गया क्या जूस, तो बचा क्या इज, ठीक है। अब खैर वहां पे हम लोग बेवकूफी कर दी, हमको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं था, इज तो ड्रिंकिंग वाले में ना हार्मफुल से निकालना था, तो अवॉइड हमने निकाल दिया, ठीक है चलो, हार्मफुल का देखो यहाँ पे भी और हार्मफुल देखो अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स दोनों के अंदर है, ठीक है ना, इनको पहले हटाओ सामने से, बहुत गंदे लग रहे हैं वो। अब हार्मफुल कहाँ पे देखो यहाँ पे, इसका मतलब है जस्ट बीन कन, और इनका मतलब है ड्रिंकिंग इज हार्मफुल का मतलब है नेल कन रेम, तो कन और कन दोनों के अंदर है, हार्मफुल हार्मफुल भी दोनों के अंदर है, हार्मफुल का मतलब हो जाएगा कन, तो बचा क्या देखो, हमने जिसका मतलब निकाल लिया था, कन का मतलब निकाल लिया, पेन का मतलब क्या हो जाएगा अब आपका ईज हो जाएगा ना, कहाँ पे नहीं, ड्रिंकिंग इज तो ऊपर वाले में, हमने देखो ध्यान से देखना अलग, यहाँ पे हमने किसका किसका मतलब निकाल लिया, ड्रिंकिंग का मतलब निकाल लिया क्या नेल, तो नेल का हटा दो, अब यहाँ पे हार्मफुल का मतलब निकाल दिया हमने क्या कन, कन हटा दो, ईज का मतलब बच गया रेन, अब यही थोड़ा सा ध्यान से देखना ना, मैं थोड़ा सा काम गड़बड़ कर रहा हूँ, आप काम मत करना, पता है क्या मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में ही काटकूट शुरू कर दिया, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, यहाँ पे तो रेम हमने आंसर निकाल दिया कुछ भी करके खिचड़ी करके, बट आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना है प्लीज अवॉइड ड्रिंकिंग, और साइड में इसकी वैल्यू लिखना है कोर जूस नेल, और उसके नीचे फिर लिखोगे ड्रिंकिंग इज हार्मफुल और उसके बगल में उसकी वैल्यू, ताकि हमको कटाने में ना आसानी हो और एक बार में क्लियर विजिबल हो, अच्छा से दिख जाए, अदरवाइज फिर एग्जाम में जैसे मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ ना, खिचड़ी कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे तो देखना है, एक तो एग्जाम में भी आपको सेम कंप्यूटर ही मिलेगा और उसी में तो काटकूट, मैं तो यहाँ पे काटकूट कर रहा हूँ बट आप डिस्प्ले पे तो लिख नहीं पाओगे, तो कोशिश यही करना कि पेज पे लिखना, काम मतलब जल्दी हो जाएगा आपका, ओके। 12 नंबर में देखो 6 और 3 को मिलके हम लोग 13 बना रहे, 4 20 को मिला के हम लोग 90 बना रहे, 11 7 को मिला के 67, तो 19 11 को मिला के क्या बनाएंगे, डेट इज क्लियर। 6 स्टार 3 का मतलब 13 हुआ, लेकिन कैसे, तो 3 में अगर हम 6 में अगर हम 3 से एक कम क्या होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मिलेगा, उसमें एक ऐड कर देंगे 30 मिल जाएगा। बोलोगे सर बेतुका का सवाल मत पढ़ाया करो, बेतुका का चीज़ है, अरे भाई बेतुका नहीं है, सुनो रीजनिंग ऐसी होता है, बस सर कि ये चीज़ देखना, जो चीज़ें ऊपर में फॉलो की गई है वो चीज़ नीचे भी करनी चाहिए, जैसे 5 स्टार 20 की वैल्यू 96 करने के लिए क्या करोगे, 5 को पहले हम लोग 20 से एक कम क्या होता है 19, तो 19 से मल्टीप्लाई करो 95 आ जाएगा, 95 में 1 ऐड कर दोगे 96 आ गया क्या, अरे हाँ सर आ गया, ये तो वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ बेतुका नहीं है। वही चीज़ देखो 11 स्टार 7 को करो 67 बनाते, तो 11 मल्टीप्लाई 6 करो 66 और 1 कर दोगे तो 67, तो सेम चीज़ करोगे 90 स्टार 11 के साथ, तो क्या करोगे 90 को ना 11 से एक कम क्या होता है 10, 190 हो गया, और इसमें 1 ऐड करोगे तो 191 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था।
नो डाउट, नो सर। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा है कानन उत्तर दिशा में 21 किलोमीटर गया, फिर यहां से दाएं मुड़कर 17 किलोमीटर गया, और फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, तब बताओ वो अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में। देखो कानन पहले उत्तर में जाएगा 21, यहां से राइट मुड़ के जाएगा 17, यहां से फिर राइट मुड़ के 10 किलोमीटर जाएगा, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से ऊपर होगा, यहां से चला था, अभी किस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये बेचारा नॉर्थ ईस्ट में आके फंसा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा आपका 21 नंबर, वो भी आपका होगा इसी का डायरेक्शन चैप्टर का, उसको जिसने सही कर दिया मैं समझ जाऊंगा वो बढ़िया से टाइम को हैंडल कर लेगा, जल्दी जिसने बना लिया उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है कि इन विच विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हम फिल कर देंगे कंप्लीट कर देगा फोटो को। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैंक है ना इसके अंदर फिल करना है, किसी एक को उठा के डाल दो ताकि ये फिगर को कंप्लीट करे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझो, ये जो चीज है ना अपना यहाँ से मैच कर रहा है वो अपने को इस साइड से इधर से होना चाहिए, बिकॉज नीचे का ये जो प्लेट है अपना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैच करना चाहिए, वो किस में है, ए में तो है नहीं, बिकॉज ए में क्या कर रहा है ना इस कॉर्नर से ले आ रहा है, बल्कि अपने को मीड से चाहिए था बीच से, और ये भाई साहब कॉर्नर से ले जा रहे वो गलत है, तो बी के अंदर देखो ये है ही नहीं, ये तो होगा नहीं। अब डी में भी देखो क्या कॉर्नर से लेके आ गया नहीं, तो सी बचा ना मीड से ये वाला प्लेट, तो ऑप्शन नंबर सी था। बस ये सभी चीजें जो है ना आप आसानी से देखे आसानी से आंसर कर दोगे, बस अब देखिए केयरफुल होके देखना, मतलब इतना भी जल्दी बाजी नहीं कि नजर के सामने कुछ चीज रखा है नजर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, टेन 22 to 5 का वैल्यू बताओ, मैं बताता हूँ आपको, देखो टेन 225 का पूछ रहा है वैल्यू आपसे, एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, ये थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू नहीं मतलब थीटा में ही कितना थीटा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो हमने पढ़ा टेन, थीटा नहीं लिखना अभी, 180 डिग्री प्लस में थीटा करते हैं, ये नहीं 25 का मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 180 प्लस में थीटा मतलब थर्ड मतलब तृतीय चतुर्थांश के अंदर आ गया। अब वो मेरे को बात बताओ आप 180 प्लस थीटा की वैल्यू अगर 225 बना रहे हो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर। ओके चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3y + 4 = 7 - 2y है तो फिर वाई का वैल्यू बताओ, कुछ नहीं है भाई अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन के अंदर आ जाता है ये 3y + 4 = 7 - 2y। अब देखो ये जो चीज़ है माइनस उसको उधर ले जाओ ताकि प्लस में बदल जाए, और ये जो 4 प्लस में उसको इधर लाओ, सी मतलब क्या आते हैं ना, चलो ठीक है कौए को कौए के साथ बैठा दो हंस को हंस के साथ, तो ये y जो है मान लेते हैं हंस है, ये 4 जो है ना डिजिट है 7 के साथ, तो ये कौआ है, तो चलो ठीक है 3y, और ये माइनस 2y तो लेफ्ट साइड में आगे क्या बन जाएगा 2y हो जाएगा, और ये 7 प्लस 4 है ना तो इधर जाके माइनस 4 बन जाएगा, ये 5y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर 3/5, सिंपल था। बहुत सारे लोग देख के ना छटपट आ जाते हैं, सर इसमें तो समझ ही में नहीं आया, ये तो x ग्रुप का क्वेश्चन पूछ दिया y ग्रुप में, भाई साहब कुछ नहीं है x ग्रुप का, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है आगे बढ़ो, 17 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न है, कह रहा है 9 - 2 × x - 5 = x + 10, इस टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में दे देते हैं ना तो बच्चे की मतलब कहते हैं खून खौल जाता है, उनको लगता है कि हमसे धोखाधड़ी कर लिया गया, तो कुछ नहीं है धोखाधड़ी नहीं हो रहा आपके साथ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या करना है सुनो, पहले तो इस 2 को ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा मेरे को 9 - 2x, बिकॉज ये -2 था, तो ये -2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा +10। ओके अब इधर हो जाएगा x प्लस में 10, भाई देखो इधर +10 है इधर +10, तो ऑब्वियसली कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि इस +10 को अगर हम राइट साइड में ले जाते तो -10 बन जाएगा, तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये -2x को अगर इधर ले जाओगे आप तो क्या बनेगा x प्लस माइनस -2 + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3x = 9, तो x = 3, ऑप्शन नंबर बी सही सही है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 3 times क्या ज्यादा एफिशियंट है, थ्राइस ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, तो मतलब ए का और बी का रेशियो क्या होगा इनकी एफिशियंसी का, तो ए 3 गुना है ना तो 3:1। ओके कह रहे दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन के अंदर पूरा कर लेते, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, भाई सुनो दोनों मिलके है ना तो दोनों का एफिशिएंसी कितना, अगर ए का 3 एफिशिएंसी है और बी का 1 है तो दोनों का मिलके एफिशिएंसी कितना होगा 3+1 = 4 एफिशिएंसी, 4 एफिशिएंसी के साथ दोनों मिलके 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी मतलब सेम काम है इसलिए हमने इक्वल का साइन दिया, 3 एफिशिएंसी के साथ एक्स डेज के अंदर कंप्लीट करेगा, तो मतलब 4 × 18 / 3x, तो ये कट जाएगा
एक्स बराबर 24, तो ए भाई साहब जो है ना 24 डेज के अंदर काम को निपटा लेंगे अकेले, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है किसी। और वहीं पे पूछते कि बी कितने दिन में करेगा, थोड़ा सा लोचा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 1 इंटू एक्स कर देते, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाता, तो 72 दिन हो जाता। आगे आ जाओ, 19 नंबर है कि वर्तमान में जेगन एवं बाला की आयु का रेशियो जो है ना 4:5 है, जेगन और बाला 4:5 के रेशियो को एज लेके बना रहे हैं, ठीक है, तो 8 साल बाद जेगन की जो एज, भाग रहे भाग गया, 8 साल बाद जो है जेगन की आयु जो है 28 ईयर्स हो जाएगी, 8 साल के बाद ना, अभी तो नहीं ना, तो भी जेगन की कितनी है, मान लो 4x है, अब 8 साल जोड़ दोगे तो इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी, तो 4x की वैल्यू 20 हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जो ये 8 है राइट साइड ले जाओगे माइनस कराओगे, देखो मैं ना एक एक स्टेप छोड़ता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी ना ये सभी चीज़ों को कॉपी पे मत नोट किया करो, भगवान ने इतना अच्छा सा दिमाग दिया इस्तेमाल करो, ऑब्वियसली 8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखना क्या, टाइम बचेगा ना एग्जाम में, टाइम ज़्यादा तो मिलता नहीं एग्जाम में। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे बटा वटा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मारो इनको कट गए, एक्स की वैल्यू 5, तो क्या 5 आंसर होगा, 5 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो आंसर कैसे कर सकते हैं, पूछ रहा है ना कि बाला की एज बताओ, तो बाला तो 5:5 लेके बैठी है, तो बाला की एज 5x हो जाएगी, तो 5 × 5 बराबर 25 हो गई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी के अंदर है, मारो और आंसर करके आगे बढ़ो, ठीक है, आगे चलो। 20 नंबर कह रहे हैं दो पाइप ए और बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, ए 30 घंटे में, बी 35 आवर्स के अंदर, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो कितने टाइम में भरेगा, तो ए इंटू बी ए प्लस में बी, टाइम एंड वर्क में ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, पेड एंड फ्री दोनों बैचेस के अंदर, तो हो जाएगा 30 × 35 बटा में 30 + 35 जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 13 बार में कटेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बार में कटेंगे, और 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 19 = 21, मतलब 210 बटा में 13 ये इतने घंटे ले लेंगे इनको भरने में थोड़े से, ठीक है, और नहीं नहीं नीचे है, रुको नीचे वाला आंसर होगा, देखने में एक जैसा लग रहा है, 210 / 3, 210 / 13, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कहाँ पे, डी नंबर सही है। आगे देखो 21 नंबर कह रहा है, अच्छा यही क्वेश्चन था, सबसे सनकी टाइप का क्वेश्चन था, उसको मैं कह रहा हूँ चैलेंज कर रहा हूँ, देखते हैं कितने कितने लोग खुद के दम पे, अपने दम पे, किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे सॉल्व मतलब सही कर देंगे, है कोई माइक लाल तो सही करके दिखाओ, ठीक है, चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करो, मन लगता है बनाने में, ऐसी नॉर्मली बनाओगे ना ये, चलो बनेगा बनेगा, नहीं तो देख लो सॉल्यूशन। अब मैंने कहा कि आप माइक लाल हो तो बना के दिखाओ, वीडियो को रोको और अपने दम पे बनाओ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, परमीत एवं चारू ने दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब समझ रहे हो, एक है प्रमीत और एक है चारू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर, ये एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अब किस चीज़ के लिए मिलना चाहते हैं भगवान जाने, इनके बीच क्या चल रहा है वो भगवान जाने, बट वो मिलना चाहते हैं। अब कह रहा 60 मीटर चलने के बाद चारू बाएं मुड़ गया है, लड़की है ना, ठीक है, सीधे सीधे तो चलेंगी नहीं बहना, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, मान ले चारू ना अगर 60 मीटर चलती है सीधा, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाती हैं, तो लेफ्ट तो नीचे आ जाएगा, और लेफ्ट में 20 मीटर मुड़ गई, चल गई, तो यहाँ के बाद फिर कह रहा है चलने के बाद फिर राइट मुड़ेंगी, और 40 मीटर, तो जब साउथ में जा रहे तो राइट इधर होता है 40 मीटर, और 40 मीटर चलने के बाद वापस उसी रोड पे आ गई, तो अपना ये जो रोड था तो ये वाला रोड था ना, अगेन ये इसी रोड पे आ गई चारू, तो कितना किलोमीटर चारू चली, अगर सीधा सीधा काउंट कर लेते ना तो ये भी 40 हो जाता, मतलब सीधा सीधा 100 मीटर, लेकिन एग्जैक्टली चारू चली कितना मेरे को ये बता, पहले ये 60 मीटर चली, फिर यहाँ से 20 मीटर चली, फिर यहाँ पे 40 मीटर चली, और फिर ये डिस्टेंस भी तो 20 मीटर चली ना ऊपर जाने के लिए, तो ये पूरा चारू 140 मीटर चली, और फिर कह रहा ना कि देखो अपने मार्ग पर तो चला ही जहाँ से वो चलना था, लेकिन यदि परमीत और चारू समान चाल से चलते हैं तो इस समय उनके मध्य की दूरी क्या होगी, परमीत को कैसे भूल जाओगे यार, परमीत भी बेचारा चल रहा है, ये आशिक आवारा, ठीक है, आशिक प्रेमी आवारा जो है ये भी चल रहा है उसी स्पीड से, जितनी बेचैनी इनको है उतनी इनको भी है, हम किसी से कम है, तुम 180 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो हम भी 200 से जाएंगे, नहीं हम भी 180 से ही जाएंगे। अब सुन एक मेरे को बात बताओ, जब ये भी स्पीड उतनी ही, इसकी भी स्पीड उतनी ही और सेम टाइम में, तो ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस सेम कवर करेंगे, तो चारू चल दी 140, ठीक है एग्जैक्टली चल दी 140, तो ये भैया सीधे सीधे निकल जाएगा 140। अब मैं ऊपर की फोटो को मिटा के समझा रहा हूँ आपको, अब परमीत क्या करेगा ना, ये बेचारा सीधे सीधे रोड पे चलते चल जाएगा और 140 किलोमीटर चल दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चारू थी ना बेचारी घुस घुस के छुप छुपा के आ रही थी मिलने के लिए, गली में घुस गई, परमजीत भाई सीधे सीधे निकल लिए और ये 140 मीटर चल दिए, ठीक है, बीच में उनको मिली नहीं चारू,
पता चलता ले चारू तो आगे निकल गई है, परमवीत भैया यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस बता कितनी होगी, तो देखो ये चारू चल रही है 100 सीधे सीधे बात करें तो, और परमवीत चल दिया सीधे सीधे 140, तो 140 में से 100 घटा लो, टोटल डिस्टेंस होगा बीच का 100 मीटर होगा, वो सही आंसर है। ठीक है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बेतु के सवाल नहीं है, ऐसे सवाल एग्जाम में अब दिए जा रहे हैं एयरफोर्स में, और नहीं बनाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। आई कह रहा 1611-21, तो यहाँ पे डैश के जगह पे क्या फिल करें बताओ, कुछ नहीं करना सर, 1 में क्या ऐड किया 5, फिर 6 में हमने 5 जोड़ दिया, तो फिर 11 में 5 जोड़ दो। देखने में लगता है ना कि ये क्या चीज है, जब बना देते हैं ना तो लगता है इतना आसान भी पूछता है एयरफोर्स। हाँ भैया पूछा हुआ सवाल है, आगे देखो 23 क्या कहता है। अगर कह रहा है ए माइनस बी का 90% जो है ना ए प्लस बी के 60% के बराबर है, अच्छा तो ए मतलब कह रहा है ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है चलो ए बी की वैल्यू बताओ, 0 0 कटाओ यहाँ से, 3 2 6 3 3 जाए ना, 3a-3b बराबर 2a+2b। अब ये क्या हो जाएगा, 2a को ले जाके घटा दो तो a बन जाएगा, और ये 3a- को लाके जोड़ दोगे तो 5b बन जाएगा, मतलब a बाई बी का मतलब हो गया 5/1। थोड़ा सा तो लोचा हो गया सर, ऐसे कैसे आ गया। कह रहा है a का कितना प्रतिशत b है, ठीक है a का कितना प्रतिशत, तो b तो 1 है और a 5 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 इंटू a का, कह रहा है जिसका कहता है उसको नीचे रखते हैं, ये 20% हो गया, यही तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज को जो समझ गया क्वेश्चन बना देगा, जो लैंग्वेज पर सी कमांड नहीं है वो फिर क्वेश्चन पे पढ़ते रह जाएगा और घूमते रह जाएगा, नाचते रह जाएगा उसी में। कह रहा अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक कहने का मतलब यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक, तो 7 के पावर 233 है भाई। देखो क्या 7 का इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन या फिर कैलकुलेशन करना संभव है एग्जाम में, छोड़ो घर पे बैठना संभव है, संभव तो कुछ मतलब असंभव तो कुछ भी नहीं है, कर लोगे, लेकिन एक पूरा दिन लग जाए 2-4 दिन लग जाए बात अलग है, हो सकता है कि आप बार बार गलतियां करो कैलकुलेशन में। ओके तो ऐसे चीज के लिए काम करो, पावर के जो लास्ट 2 डिजिट है ना इनको 4 से डिवाइड मार दो, हमेशा 4 से डिवाइड मारना, 4 से 4 को 8 बार में, तो जो रिमाइंडर बचेगा ना उसका पावर रख दो, अब यहाँ पे 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 क्या होगा 7 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 ही हो जाएगा, हो गया ना मैजिक। आगे देखो 25 नंबर कह रहा है एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस जो था ना वो था 2650, अब उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराने में ना 450 रुपये और लगे, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा। हमने कंप्यूटर खरीदा सॉफ्टवेयर डलवाया तो सब जोड़ जाड़ के प्राइस बताते हैं ना किसी को, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी 21,100 रुपया। अगर उसको हम लोग 15% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो क्या करोगे, 21,000 100 पे 15% का प्रॉफिट बढ़ा दो, तो 100+15 कितना होता है 115, तो ये 0000 कट जाएगा, आप 211 × 115 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है वो आंसर कर दो। ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक आंसर आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 24,265। अब मैंने ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में कैसे कर लिया, बिकॉज ये आपके पास ऑप्शन है, लास्ट में तो इनका इकाई स्थान 5 ही होगा, तो ए एंड सी तो होता नहीं इनके 0 0, अब बी एंड डी में देख लो, अब इकाई इकाई स्थान को मल्टीप्लाई करके आप भी दे सकते थे, अगर पूरा पूरा नहीं कर देते तो इस मेथड से भी थोड़ा आप जल्दी बना लोगे, लास्ट के 2-2 डिजिट अगर मल्टीप्लाई करके आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 11-15 को भी मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला सकते थे, क्योंकि उसके लास्ट में 6-5 आएगा और इसके लास्ट में 2-5 पे, तो आंसर निकालो। ओके ना, ये सब चीज़ें ना कोई जादू नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्सपीरियंस गेन करोगे। देखो PQRSTU ये 6 बच्चे हैं, ठीक है ये कुछ खेल रहे हैं, तो खेलने के साथ साथ यहाँ पे हो क्या रहा ना कि देखो UT का भाई है, सॉरी P तथा T बहने हैं, तो P और T जो है ना ये बहने हैं, यू जो है ना टी का भाई है, तो यू जब भाई है तो कह रहा है आर जो है ना पी की चाची की इकलौती बेटी है, तो आर जो है पी की चाची की इकलौती बेटी, मतलब आर इसकी जो है ना बहन हो गई, चचेरी बहन हो गई। ओके, इनकी चचेरी बहन हो गई वो कजन, तो कह रहा है तो आर का यू से क्या संबंध है, तो भाई आर का यू से, तो यू से काउंट कर लो, तो चचेरा भाई बहन है ये लोग, ठीक है आर का यू से कर लो, चचेरा भाई नहीं चचेरी बहन होना चाहिए था, वर्ड यहाँ पे कजन वर्ड चाहिए, तो चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ मेरे को यहाँ पे मैंने समझा नहीं, आर लड़का है ही लड़की है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, ठीक है पी की चाची की, तो ठीक है यहाँ पे कजन है तो कजन सही आएगा, भाई बहन बैठाओ इंग्लिश सही है ना, समटाइम्स हिंदी जब गलत होता है ना तो इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं वैल्यू देते हैं, और ऑप्शन में कोई एक ही दे देगा, चचेरा भाई देगा या फिर चचेरी बहन देगा, बिकॉज कजन का मतलब ही होता है भाई बहन। 27 नंबर देखो, ये है आपका वो नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें से बताओ इसके बाद ये सीरीज के बाद कौन सा फोटो आएगा इस ऑप्शंस में से,
तो एक चीज देखो यहाँ पे देखो, ये जो चीज है ना दो बार लगातार एक तरफ जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ये जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में देखो, या तो ए या तो बी या तो सी होना चाहिए, ठीक है, ए बी सी में से कोई एक होगा। अब देखो नीचे के भी दो दो लगातार एक जैसे हैं, तो इस फोटो के जैसा कहाँ पे है, या तो ए या तो बी। अब कहोगे सर डी में भी, अरे महाराज बोला ना कि ये ऊपर वाला नहीं है, तो ए या बी में से आंसर करो। अब देखो एक बार ये देखो लेफ्ट में नीचे की तरफ है, सॉरी राइट में नीचे है तो ये लेफ्ट में ऊपर है, और ये जब लेफ्ट में ऊपर है तो ये राइट में नीचे है, जब ये राइट में नीचे तो वो लेफ्ट में ऊपर होना चाहिए, जो कि लेफ्ट में ऊपर ए में है, ए अपना सही आंसर है। अब देखो इसमें फिर अगला फोटो कौन सा आएगा, पहले तो चारों स्ट्रेट थे, अभी देखो शुरू का जो है ना ये इधर से मुड़ गया, ठीक है, अभी देखो फिर क्या हुआ ना एक पोजीशन वो और मुड़ा, दिख रहा आपको आगे की तरफ दो मुड़ गए हैं। अगली बार क्या हुआ ना पहला पोजीशन ठीक होके आगे की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं, अब ठीक है अब आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, फिर देखो ये दोनों ना एक पोजीशन आगे बढ़ गए, तो फिर एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, तो मतलब ये तीन बार सिंगल लाइन और ये दोनों ऐसे 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 करेंगे एक्स की तरह बनाएंगे, ठीक है ऐसे, इस बार तीन पोजीशन आगे बढ़ के ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर ई सही कर जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल भी सही आंसर है इसका। 29 नंबर देखो कह रहा है इसमें क्या फिल कर देंगे इनमें से, तो गाइस यहाँ पे क्लियर है कि पहले तो ये फोटो जो है ना पेंटागन को उल्टा कर दो, तो इस बार पेंटागन ऑलरेडी उल्टा है तो हमने इसको सीधा कर दिया। अब इस फोटो के इसके बेस पे डाला, देखो बेस इसका ये है तो इसका बेस ये, तो फोटो को डालो और नीचे वाले पार्ट को खाली छोड़ दो, ऊपर वाले पार्ट को रंग दो, ठीक है नीचे वाले पार्ट को खाली छोड़ दो और ऊपर वाले पार्ट को रंग दो, या तो ये बन जाता है आपका, ठीक है, या फिर कुछ और भी बन सकता है इसका, ठीक है, ये बेस के हिसाब से हमने काम किया, ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, बट ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इसको उल्टा करो और इसको ऊपर ले जाके चिपका दो, बस ये काम कह सकते हम लोग, इसको उल्टा करके इसको ऊपर ले जाके चिपका दिया और नीचे वाले पार्ट को खाली छोड़ के ऊपर वाले भर दिया, अब ऐसे आंसर आ रहा है। इस बेसिस पे अपना ए सही है, बी क्यों नहीं होगा, बिकॉज पेंटागन यहाँ पे उल्टा का उल्टा छोड़ दिया, सीधा करना था, करेक्ट आंसर ए है इसका फिर, ठीक है। इसमें से बताओ पाँचों छः में से सबसे अलग कौन सा है, तो ये देखो ना अगर हम इस हिस्से को अगर फेस मान लेते हैं तो मतलब ये नीचे देख रहा है, जब नीचे देखते हैं तो हमारा राइट साइड इधर होता है, तो ये प्लस का साइन राइट साइड में है, अगर ये हिस्सा फिर से फेस मानते तो राइट साइड में प्लस है, ये हिस्सा को फेस मान रहे हैं हम लोग बड़े वाले को तो राइट साइड में है, इस हिस्से को अगर फेस मानते तो प्लस लेफ्ट में है, इस हिस्से को मानते हैं फेस तो ये राइट में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए डी, बिकॉज प्लस का साइन लेफ्ट में बाकी सब में राइट में है। गाइस कमेंट करके बताओ 30 में से आपने कितना स्कोर किया, और हाँ सारे वोकैब की मैथ की रीजनिंग की करंट अफेयर की जीके की पीडीएफ को बाई करो, व्हाट्सएप करो 7279047787 और बाई करके पढ़ो दबा के, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।